अटल इरादे और विजनरी नेतृत्व से क्या कुछ नहीं हो सकता। भारत के गांवों में बसे लाखों पशुपालकों की प्रगति को गति देने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं अनगिनत प्रयास। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज बनास डेयरी देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती डेयरी के तौर पर उभर कर आई है, जिसका लाभ डेयरी से जुड़े पशुपालकों को एक आत्मनिर्भर जीवन के स्वरूप में मिला है। देश का डेयरी सेक्टर पशुपालन श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा, किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूध उत्पादन में बनास डेयरी वार्षिक 14% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है। दूध उत्पादन और पशुपालकों की आय में वृद्धि की ये परंपरा जारी रहे, इसी विचार के साथ बनास डेयरी ने किया दियोदर तालुका के सनादर गांव में नया डेयरी प्लांट स्थापित करने का आयोजन। 30 लाख लीटर की दैनिक क्षमता से सुसज्ज इस नव निर्मित डेयरी प्लांट को भविष्य में 50 लाख लीटर की दैनिक क्षमता तक विकसित किया जा सकता है। 151 बीघा जमीन पर स्थापित ये डेयरी प्लांट का काम लॉकडाउन की चुनौतियों के बीच भी जारी रहा और 18 महीनों की छोटी अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। जब एक डेयरी के पास उसकी क्षमता से ज्यादा दूध आता है तो डेयरी को मिल्क हॉलिडे घोषित करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि डेयरी उस दिन के लिए पशुपालकों से दूध नहीं खरीद पाएगी। एक मिल्क हॉलिडे अगर घोषित किया जाए तो 30 करोड़ रुपयों का नुकसान होता है और 10 मिल्क हॉलिडे पर 300 करोड़ रुपयों का। लेकिन मिल्क हॉलिडे घोषित न करके बढ़ते उत्पादन को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाकर 610 करोड़ के खर्च पर बनास डेयरी ने किया सनादर डेयरी प्लांट का निर्माण। इस नए प्लांट के कार्यान्वयन से होगी परिवहन खर्च में 13,78,00,000 की वार्षिक बचत। एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फुली ऑटोमेटेड इस डेयरी प्लांट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन करने के लिए लेटेस्ट मशीनरी से सुसज्ज किया गया है। नवनिर्मित डेयरी प्लांट में आज तक का सबसे विशाल 2.5 लाख लीटर क्षमता से सुसज्ज मिल्क साइलो, 60,000 लीटर क्षमता से सुसज्ज सबसे बड़ा मिल्क पैस्चराइजर और विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी वाल्व बैटरी का हुआ है इंस्टॉलेशन। इतना ही नहीं, हाईएस्ट एनर्जी सेविंग और वाटर रिसाइकलिंग के लिए भी जरूरी टेक्नोलॉजी से सुसज्ज है ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट। FSSAI और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार टैंकर के अंदर और बाहरी हिस्से की वॉशिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है। यहाँ बटर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए दैनिक 80 टन क्षमता, आइसक्रीम प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए दैनिक 1,00,000 लीटर की क्षमता और खोआ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए दैनिक 20 टन क्षमता। ये केवल आंकड़े नहीं, ये विश्वास है कि बढ़ते दूध उत्पादन के साथ बढ़ती रहेगी बनास के पशुपालकों की आमदनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनास डेयरी ने तय किया ये संकल्प से सिद्धि का सफर, ताकि दूध की नदियां बहती रहें, बनासकांठा के जन जन के चेहरों पर उन्नति की मुस्कुराहट बनी रहे।